झारखंड लोक सेवा आयोग में नई अध्यक्ष चेयरमैन के आते ही अब ऐसा लग रहा है कि जेपीएससी में सुधार देखने को मिलेगा। कल ही जो जेपीएससी की नवनियुक्त चेयरमैन है मेरी नीलिमा क्रिकेट्टा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और ये भरोसा दिलाया कि अब जो भी परीक्षाएं स्थगित हैं ये रोकी गई हैं, जो जो परीक्षाएं प्रस्तावित है उसमें अब और देरी नहीं होगी। अभी एक खबर, बड़ी खबर आ रही है उन तमाम असिस्टेंट इंजीनियर के छात्रों के लिए जो पिछले जून यानी 6 जून के बाद से लगातार इंतज़ार कर रहे थे, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे थे, जेपीएससी का दरवाज़ा खटखटा रहे थे, मुख्यमंत्री आवास का दरवाज़ा खटखटा रहे थे, लेकिन कहीं उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। अल्टीमेटली जब कोर्ट से हरी झंडी मिल गई उसके बाद भी जेपीएससी की तरफ से कोई बात नहीं बनी, जिसके बाद तमाम छात्र कहीं ना कहीं आंदोलन की रणनीति बना रहे थे लेकिन वो सड़क पर नहीं उतर रहे थे। अब से थोड़ी देर पहले जेपीएससी ने अपने वेबसाइट में एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें ये बात बताई गई है कि असिस्टेंट इंजीनियर के जो सफल अभ्यर्थी हैं जिनका इंटरव्यू रुका हुआ है, यानी कि जो पहले इंटरव्यू दे चुके हैं उसमें से करीबन 580 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका इंटरव्यू रुका हुआ है, उन तमाम छात्रों का दोबारा से इंटरव्यू होगा, यानी कि उनका जो इंटरव्यू है रिज्यूम किया जा रहा है और अब तक जो छात्र इससे महरूम रहे हैं उनको मौका मिलेगा और इसके लिए बजाबते तारीख भी जारी कर दी गई है। 10 से 17 अक्टूबर के बीच ये इंटरव्यू होगा। इस दौरान जो बचे हुए छात्र हैं असिस्टेंट इंजीनियर के उन तमाम छात्रों को ये मौका मिलेगा कि वो इंटरव्यू दे सकें, साक्षात्कार दे सकें और आगे की प्रक्रिया में शामिल हो सकें। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक कुल 637 पदों के लिए करीबन 1280 स्टूडेंट इस दौड़ में शामिल हैं जिनका इंटरव्यू होना है और अंतिम प्रक्रिया के बाद जो चयन होना है वो उसके लिए 1280 स्टूडेंट जो हैं वो मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। जो हमें छात्रों से बातचीत हुई है, जो जानकारी है उसके मुताबिक पीटी रिजल्ट में जो रिजर्वेशन दिया गया था उसको लेकर ये मामला हाईकोर्ट गया था जिसकी वजह से इंटरव्यू को बीच में रोक दिया गया था। हालांकि 6 जून तक ये इंटरव्यू हुआ था लेकिन बाद में कोर्ट में ये मामला चला गया था जिसके वजह से इंटरव्यू को रोक दिया गया था, लेकिन बाद में कोर्ट से भी हरी झंडी मिल गई। लेकिन उस दौरान जेपीएससी के जो चेयरमैन का पोस्ट था वो खाली था, चूँकि उससे पहले अमिताभ चौधरी जो दिवंगत हो चुके हैं वो काम धाम देख रहे थे, लेकिन करीबन 2 महीनों तक जेपीएससी में कोई चेयरमैन नहीं रहा था जिसकी वजह से तमाम जो इंटरव्यू की प्रक्रिया थी वो बाधित थी। लेकिन पिछले दिनों सरकार ने इस पर हरी झंडी दिखाई और कहीं ना कहीं एक राजभवन से इस पर मुहर भी लगी कि नई चेयरमैन के तौर पर मेरी नीलिमा क्रिकेट्टा को मौका दिया गया है, उनको योगदान दिया गया है। इस सिलसिले में पिछले दिनों ही असिस्टेंट इंजीनियर के जो छात्र थे उन्होंने नई चेयरमैन से मुलाकात की थी और उन्होंने ये आश्वासन दिया था, यानी चेयरमैन की तरफ से ये आश्वासन मिला था कि वो अब आ गई हैं, तमाम चीज़ों को दुरुस्त करेंगी, तमाम चीज़ों को ट्रैक पर लाएंगी और इसी वजह से वो लाई गई हैं ताकि छात्रों की समस्याओं का निदान हो सके। तो एक बड़ी खबर अभी आई है उसके मुताबिक ये है कि असिस्टेंट इंजीनियर की जो इंटरव्यू के लिए जो छात्र पहले से परेशान थे जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ था उनको अब मौका मिला है और अगले महीने यानी कि 10 से 17 अक्टूबर के बीच ये इंटरव्यू होगा और उस दौरान तमाम छात्रों को मौका मिलेगा जो इस मामले में बचे हुए हैं। तो तमाम छात्र कहीं ना कहीं इस बात को लेकर खुश हैं कि अल्टीमेटली उनकी डिमांड पूरी हुई है, उनकी मांग पूरी हुई है और अब उनको भी मौका मिलेगा। तो हम ये मान सकते हैं कि जैसे ही नई अध्यक्ष आई है उसके बाद से जेपीएससी में जो सुधार का जो आगाज़ है, जो ट्रैक पर लाने की जो कार्रवाई है उसकी शुरुआत हो गई है और उसकी शुरुआत असिस्टेंट इंजीनियर के बचे हुए इंटरव्यू की प्रक्रिया के साथ शुरू हुई है। और कल जिस तरह से मुख्यमंत्री की मुलाकात जेपीएससी चेयरमैन से हुई है उसके बाद ये भी और भी पुख्ता हो गया है कि मुख्यमंत्री की तरफ से सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो परीक्षाएं हैं वो समय पर ली जाएं, उसमें देरी नहीं हो और पारदर्शी तरीके से क्रिस्टल क्लियर तरीके से परीक्षाओं का आयोजन किया जाए ताकि किसी भी छात्र के साथ इनजस्टिस नहीं हो, अन्याय नहीं हो। तो तमाम छात्रों के लिए ये बड़ी खबर है, खुशखबरी की बात है कि अब वो इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। बाद में जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसमें कौन सफल होते हैं कौन असफल होते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन फ्री एंड फेयर तरीके से तमाम छात्रों को मौका मिल रहा है जिसके लिए तमाम छात्र कहीं ना कहीं परेशान थे और घरों में वो लोग कहीं ना कहीं अपनी तैयारियां कर रहे थे। अब उनके लिए मौका मिला है कि वो इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। तो फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी विकास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।